देखिए इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर के पास और किसानों का एक जत्था जो है यहाँ पर भी पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे आ गया है। आनंद विहार बस अड्डे का ये जो फ्लाईओवर है आपको जो इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस फ्लाईओवर के ऊपर से ये सारे लोग इधर आ गए हैं, जबकि पुलिस ने जो इंतजाम लगाया था वो फ्लाईओवर के नीचे लगाया था, क्योंकि रूट जो है उसके अनुसार फ्लाईओवर के नीचे से आनंद विहार बस अड्डे की तरफ जाना था। लेकिन अब ये किसान प्रदर्शनकारी जो है ये फ्लाईओवर के ऊपर से जो बैरिकेड लगे थे, जो बोल्डर्स लगे थे, उनको हटा के और ये एक जत्था यहाँ पहुँच गया है। और ये मेरे दूसरी तरफ जो हिस्सा है ये सीधा जाता है मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज की तरफ, और ये जो रास्ता है ये आ रहा है गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ। और ये देखिए ये आनंद विहार का जो फ्लाईओवर है उसको क्रॉस करते हुए किसानों का ये जत्था चढ़ाई करते हुए यहाँ पे पहुँच गया है। और अब देखिए ये पुलिस भी आ गई है, ये देखिए अब ये पुलिस आ गई है और इन सभी प्रदर्शनकारियों को समझाकर वापस अपने रूट पर जाने के अनुरोध किया जा रहा है। ये देखिए ये पुलिस के अधिकारी जो है वो बात कर रहे हैं, ये देखिए सबको वापस बुलाया जा रहा है, ये इनके नेतागण आ गए हैं। देखिए ये पुलिस अब आ रही है, पुलिस अब आ रही है क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो ऊपर से फ्लाईओवर के ऊपर से आ गए, इंतजाम सारा नीचे लगा हुआ था। ये देखिए अब ये सारे पुलिस के अधिकारी पूरा मजमा यहाँ पहुँचा है और अब किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो वापस अपने पीछे हो जाए। ये देखिए टियर गैस शेल पुलिस ने चला दी है, यहाँ पे किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए। ये देखिए पुलिस को एक कवर मिल गया है यहाँ पे इस बैरिकेडिंग के रूप में। ये देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, यहाँ पे स्थिति बहुत ही अब खतरनाक होती जा रही है। इस तरफ भी गोले छोड़ दिए गए हैं। ये देखिए चारों तरफ से शेल चलने शुरू। ये देखिए यहाँ पे फिर से एक बार शुरू हो गया है, कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया है एक बार फिर से, और पुलिस लगातार यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही है। ये देखिए ये पुलिस के ऊपर ही वापस फेंक रहे हैं ये शेल। ये देखिए ये इस तरह से शेल उठा के वापस पुलिस के ऊपर ही फेंके जा रहे हैं। ये देखिए ओ चल रहा है, निकल नीचे निकल। ये देखिए इस तरह से अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स में घुस के, ये देखिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, सिविल डिफेंस के जवान भी यहाँ पे तैनात है। ये देखिए सिविल डिफेंस के जवान भी हैं यहाँ।